हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और हम अक्षत के बर्थडे के दूसरे दिन यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा था कि हम एक जगह जाएंगे, एक बहुत ही यूनिक जगह है, तो वही हम आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ हम क्या क्या करते हैं, क्या होता है और ये कौन सी जगह है। सो फर्स्ट हम एंट्री लेते ही अक्षत को देख के सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। आपको डांस करना है अभी? कौन से म्यूजिक पे करोगी? पूरे ओके ओके अच्छा, तो म्यूजिक कहाँ बजेगा? इसका कल, अक्षत का कल बर्थडे था, कल था, कल मतलब हो गया 28, आज 29 है ना। आपका नाम क्या है आंटी? आप इधर यहीं पे रहते हो? वेरी ब्यूटीफुल। पापा देख कितना प्यारा है ये, किसने बनाया? उन्होंने बनाया? वाओ वेरी नाइस केक डेकोरेटिंग। वो बनाए, वो क्या नाम है? तेजस्विनी। बहुत चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि ये जगह कौन सी है। तो इतने सारे बच्चे एक जगह हैं, मतलब ये एक कौन सी जगह हो सकती है फ्रेंड्स? थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। जी हाँ फ्रेंड, ये है एक अनाथ आश्रम जो कि कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश की एक अनाथ आश्रम स्कूल है जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। तो हमने सोचा कि अक्षत के बर्थडे को और भी यादगार मनाने के लिए हम यहाँ के बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसीलिए हम अक्षत के बर्थडे के दूसरे दिन इन सभी बच्चों के साथ यहाँ पे अक्षत का बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए। एक्चुअली हमने बर्थडे सेलिब्रेट उस हिसाब से नहीं किया था, पूरा अरेंजमेंट इन बच्चों ने ही किया था, यहाँ के जो हेड हैं उन्होंने ही किया था। तो सच बताएं तो यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि हम क्या बताएं। आप लोग खुद देखोगे कि किस तरह से ये सभी बच्चे मिलजुल के रहते हैं और इनके तो फ्रेंड्स, इस अनाथ आश्रम का नाम है सर्व नीडी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े,
यंग और लेडीज़ सभी लोग अलग अलग मतलब रूम में रहते हैं, उनका अलग अलग सिस्टमेटिकली इन लोगों को अलग बिल्डिंग में रखा गया है। आप लोगों के साथ मैं धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करूँगी। तो अभी हम फ्रेंड्स शायद वो एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँ, मुझे शायद पार्ट टू भी निकालना पड़े। सो फ्रेंड्स, इन बच्चों को हमने रात का डिनर सर्व किया अपने हाथों से, जो कि इनका रूल्स है कि लोग शाम के 7:30 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने उसी हिसाब से हम लोग भी टाइम से पहुंच गए थे। हम लोग कम से कम 6:30 बजे तक वहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद हमारा इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया और अक्षत को अलग से केक बनाया था उसके लिए। एक तेजस्विनी नाम की एक लड़की है, उसने बहुत प्यारा केक बनाया, मुझे बहुत प्यारा लगा वो केक, और उसके हाथ की केक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगी। फिर हमने उस केक को सब ने मिल के काटा, आप लोगों ने देखा, बहुत ही मज़ा आया। मतलब घर से हमने घर पे जो पार्टी की थी उससे शायद 1000 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पे आके खुशी हुई थी। और ये सभी बच्चे अभी अपना डिनर कंप्लीट करेंगे, तो हम सब मिलके मैं भी दे रही हूँ उनके साथ, क्योंकि मुझे सर्व करने में बहुत खुशी मिलती है। और इन लोगों ने खुद ही कहा कि दीदी आप भी सर्व कर दो, तो मैंने भी इनको बहुत भर भर के दिया। लेकिन ये छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत क्वांटिटी में कम खाते हैं। जैसे हमारा तो दिल कर रहा था कि हम इनको और खिलाएं, लेकिन रूल्स है कि इनको ज़्यादा खिला के इनका पेट दर्द नहीं करना है। तो इसी वजह से हमने जो जितना जैसे बोल रहा था मैं उस हिसाब से दे रही थी। तो मैंने फर्स्ट में ही थोड़ा मिठाई से शुरू किया देना, तो मिठाई के बाद मैंने डायरेक्ट चिकन इनको सर्व किया, क्योंकि आज ये नॉनवेज, हमने इनको नॉनवेज प्रोवाइड किया था। ये वेज भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना हम नॉनवेज प्रोवाइड करें, तो हमने इन लोगों को नॉनवेज प्रोवाइड किया था। और इनके मेनू में शायद एप्पल फ्रूट्स वगैरह थे ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को फ्रूट्स देना ही, और देखिए मेरा ये बेटा कैसे इधर उधर बहुत मस्ती कर रहा था। उसका दिन इतना अच्छा गया उस दिन, मतलब बहुत फ्री माइंड में बच्चों के साथ इतना खेल रहा था कि मतलब उसको बहुत खुशी हुई। जैसे वो कैसे पार्क में भी इतना मज़ा नहीं करता जितना कि इन सारे बच्चों के बीच में आके ये खुशी खुशी खेल रहा था। और ये बच्चे तो बहुत लवली हैं, बहुत ज़्यादा। सभी ने मिलके अक्षत को इतना प्यार किया, इतना विशेष किया, लग ही नहीं रहा था कि हम किसी अनाथ आश्रम में आए, जैसे हम किसी स्कूल में आए हैं जहाँ पे शायद अक्षत नर्सरी में है, एडमिशन लेने गया है, ऐसा ही फील हो रहा था। तो देखिए सभी के बीच में ये कैसे गोलू मोलू खरगोश अपने आप ही भागता फिर रहा है, इसको मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और मैं तो बस अपने काम में बिज़ी हूँ। सभी बच्चों ने मुझसे जितना जैसे कहा मैं पूछ के दे रही थी, ताकि कोई वेस्ट भी ना करे और किसी का पेट दर्द भी ना हो। इसीलिए मैं सबको पूछ के दे रही थी कि आपको कितना चाहिए, आप कितना लोगे, आप क्या क्या पसंद करते हो, कौन सा पीस लोगे, ऐसे में पूछ के सबको सर्व कर रही थी। कुछ बच्चों ने तेलुगु में बात की, तमिल में बात की, तो मुझे तो वो वाली लैंग्वेज आती नहीं है। फिर मैंने उनके साथ थोड़ा मजाक से भी बात किया कि प्लीज़ हिंदी बोलो, उसके बाद उन्होंने इशारे में समझ लिया। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ उनका और कौन से पार्ट में वो अच्छे हैं वो भी शेयर करूँगी। एक पार्ट तो हम आते ही हमने देख लिया कि इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका हाथ मतलब ये पेंटिंग, ड्राइंग और डांसिंग बहुत कुछ एक साथ सीखते हैं। जैसे एक क्रिएटिविटी दिखा दी है एक बच्ची ने केक बना के, मुझे केक बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैं बार बार उसी के बारे में उससे पूछ रही थी तुमने कैसे बनाया और वगैरह वगैरह। उसने मुझे अपना बेकरी रूम भी दिखाया और बेडरूम दिखाया, लाइब्रेरी दिखाई, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हमने इधर अपना सब धीरे धीरे करके सब बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया। और उसके बाद हमने वहाँ से थोड़ी देर के लिए लीव लिया, क्योंकि हमें साइड में जो और बॉयज़ का जो रूम था अलग था,
बॉयज़ डिपार्टमेंट भी अलग था और ओल्ड एज डिपार्टमेंट भी अलग था, तो हम वहाँ पे भी गए थे। वो शायद मैं एक ही वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, इसीलिए मुझे शायद पार्ट टू निकालना पड़ेगा इसका। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग अपने बच्चों के बर्थडे में और क्या करना पसंद करते हैं। मैं तो अपने अक्षत के बर्थडे में हर साल ऐसा करूँगी, भगवान अगर मुझे हिम्मत दे और मुझे मतलब एबल रखे कि मैं ऐसा काम हर साल कर सकूँ, ऐसे ही नीडी बच्चों को हेल्प कर सकूँ, चाहे एक दिन के लिए भी हो। उनके सपोर्ट मैंने किया उनको, हाँ मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया और हमने मिलके ही ये डिसीशन लिया था कि हम अपने बेटे के बर्थडे में हर साल अनाथ बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो हमने बहुत मुश्किल से ये स्कूल ढूंढा था गूगल में सर्च करके। दीपंकर उधर चले नीचे, नीचे बंदे जो उनको बैठे ये लोग खाता रहे बाद में इधर नहीं आएंगे ना। ना आएंगे अब फिर आएंगे सामान देने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि वो लोग डिनर करने से पहले कोई एक मतलब प्रे कर रहे थे खाना खाने को पहले, मतलब अन्न देवी को प्रे करके उसके बाद ही उन्होंने अपना डिनर शुरू किया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे थोड़े छोटे छोटे जो मैनर्स हैं इन लोगों को सिखाए जाते हैं यहाँ पे। और सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इसका पार्ट टू देखना है तो आप लोग मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।